गुड आफ्टरनून क्लास 11। आज मैं आप लोगों को बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन बताऊंगा, ठीक है। लास्ट ईयर जो क्लास 11 था उसको मैंने ये कन्वर्जन नहीं बताया था, उससे पहले वाले क्लास 11 को बताया था, क्योंकि पिछले साल क्लास 11 बहुत लेट में स्टार्ट हुआ था और बहुत ज़्यादा कोर्स भी था, फिर कुछ पार्ट उसमें रिड्यूस भी हो गया था CBSE की तरफ से। तो ये वाला पार्ट मैंने पिछले वाले जो क्लास जो जो इस समय क्लास 12th में उसको नहीं बताया था, लेकिन आप लोगों को मैं बताऊंगा, क्योंकि इस बार तो कोर्स भी रिड्यूस नहीं हुआ है अभी तक। और वैसे भी ये भी बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होता, बहुत ईजी होता है, जैसे बाकी के कन्वर्जनस हैं वैसे ही ये कन्वर्जन भी काफ़ी ईजी होता है। लेकिन बस हमको बाइनरी नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर की एक टेबल जैसी क्रिएट करनी होती है, वो टेबल अगर एक बार क्रिएट कर ली तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। देखो, जैसे हेक्साडेसिमल नंबर मैंने पहले बताया था कि हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है वो 16 होता है, ठीक है। तो 0 से लेकर 9 तक इसमें नंबर जो होते हैं, और फिर ABCDEF ये 6 अल्फ़ाबेट होते हैं, इनसे बनने वाला जो नंबर होगा वो हमारा एक हेक्साडेसिमल नंबर होता है। बाइनरी नंबर आप जानते ही हो, कई बार बाइनरी नंबर पढ़ चुके हो कि 0 और 1 से बनने वाले जो नंबर होते हैं वो हमारे बाइनरी नंबर होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमको एक छोटी सी टेबल टाइप की है जिसको हमें याद रखना पड़ता है, क्योंकि अगर हम हेक्साडेसिमल से बाइनरी कर रहे हैं तो भी हमें उसे याद रखना होगा, और बाइनरी से हेक्साडेसिमल कर रहे हैं तभी उसे याद रखना होता है। तो इसमें कुछ करना नहीं है। हेक्साडेसिमल कौन कौन से नंबर होते हैं वो आप लोगों को पता ही हैं। जैसे सबसे पहले हेक्साडेसिमल में आएगा 0, ठीक है। तो इसका जो बाइनरी इक्विवेलेंट होगा वो होगा हमारा 1 2 3 4, ठीक है। इसमें हमेशा चार चार के पेयर में होते हैं जो हमारे बाइनरी नंबर होते हैं, वो इसी तरीके से 0 0 1 0 0 0 0, फिर 0 0 0 1, फिर 0 0 1 0, इस तरीके से बाइनरी नंबर आते जाते हैं। तो इसी तरह से हम क्रिएट करेंगे, फिर आएगा हमारा 1, ठीक है। फिर यहाँ लिख लेते हैं 0 0 0 1, फिर यहाँ होगा हमारा 2। हेक्साडेसिमल नंबर जो 2 होता है उसका बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 0 0 1 0, ठीक है। ये याद रखना पड़ता है, हालांकि बात करना बहुत मुश्किल नहीं है। हेक्साडेसिमल 16 नंबर होते हैं 0 से लेकर 9 तक, और ABCD तो लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसके बाद ABCDEF, ये जितने नंबर आपको दिख रहे हैं इनसे बनने वाला जो नंबर होगा वो होगा आपका हेक्साडेसिमल नंबर। जैसे एग्जांपल आपको बताते हैं, जैसे एक नंबर है 4DD, ठीक है, ये बेस 16 लगा हुआ है। हेक्साडेसिमल में 16 नंबर होते हैं टोटल, इसलिए इसका बेस होता है 16। तो ये एक हमारा हेक्साडेसिमल नंबर है, मतलब ये इसका एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अब इसी का हमें बाइनरी इक्विवेलेंट लिखना, जो कि लिखना बहुत आसान है, कुछ नहीं। 0 होगा, 1 होगा, 10 होगा, फिर 100 होगा, 101 होगा, 110 होगा, 111 होगा, इस तरह से करते हम आगे बनाते चले जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आया हमारा 0, फिर 1, फिर 10, फिर 10 के बाद 11, 0 0 यहाँ लगा दो, फिर 11 के बाद 0 और 1 से बनने वाला नंबर एक ही हमारे पास होता है, वो होता है हमारा 100, ठीक है। तो 100 नंबर लिख लो, 100, फिर 100 के बाद 101, फिर 110, फिर 111, बाकी कुछ करना नहीं, इधर जो बच रहा है वहाँ 0 0 लगाते जाओ, ठीक। फिर 111 के बाद 0 और 1 से बनने वाला नंबर जो है वो है हमारा 1000, 1010, 1011, ठीक है। फिर इनसे आगे बनने वाला है 1100, ये भी हमारा 0 और 1 से बनता है, फिर 1101, फिर आता है 1110, फिर 1111, ठीक। कोई मुश्किल नहीं याद करना, 0 1 10 11 100 101 110 111, फिर 111, 0 और 1 से बनने वाला 1000 1001 1010 1011 1000, फिर 1100 1101 1110 1100, आगे भी आते जाएंगे, लेकिन अभी हमें इतने ही नंबर्स की ज़रूरत है, क्योंकि हेक्साडेसिमल ये हमारे हेक्साडेसिमल और बाइनरी इक्विवेलेंट है, मतलब ये बाइनरी नंबर है उनका ये हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट है, और ये हेक्साडेसिमल नंबर है उनका ये बाइनरी इक्विवेलेंट है, कोई भी किसी का कह सकते हो, दोनों मतलब वाइस वर्सा चलते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी सा है। अब अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम नंबर लेते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं, एक नंबर है
ज़ीरो ज़ीरो, फिर वन वन, फिर ज़ीरो ट्रिपल वन, फिर ज़ीरो वन। ठीक है, ये एक बाइनरी नंबर है, इसको हमको कन्वर्ट करना है एक हेक्साडेसिमल नंबर में। ठीक, ये एक बाइनरी नंबर है। फिर से नंबर रिपीट करके देख बता देते हैं, वन डबल ज़ीरो डबल वन ज़ीरो ट्रिपल वन ज़ीरो वन, ये एक बाइनरी नंबर है, इसको हमको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना, कुछ नहीं करना, बहुत ईजी से सॉल्यूशन है। यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं, देखो वन ज़ीरो ज़ीरो डबल वन ज़ीरो ट्रिपल वन ज़ीरो वन। देखो हमको चार चार, अब जो जो हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं उनका बाइनरी इक्विवेलेंट आपने देखा है सब चार चार डिजिट के हैं। ठीक है, सब चार चार डिजिट के हैं, तो इसीलिए हमको इसको चार चार का ग्रुप बनाना है। तो अब इस तरफ से स्टार्ट करते हैं, हमेशा इस तरफ से स्टार्ट करते हैं, तो चार का एक ग्रुप ये बन गया। ठीक है, फिर चार का एक ग्रुप ये बन गया, अब उसके बाद ये चार का ग्रुप नहीं बन रहा है, तीन का ग्रुप बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जब ऐसी कंडीशन आएगी तो एक ज़ीरो हम अपनी तरफ से लगा सकते हैं ग्रुपिंग कराने के। भाई किसी भी नंबर के, अगर आप लोग नॉर्मली देखो, अगर हम ज़ीरो वन लिखें तो भी वन होता है, अगर हम नॉर्मल वन लिखें तो भी वन होता है। तो उसी तरीके से किसी भी नंबर के पहले अगर हम ज़ीरो लगाते हैं तो उससे उस नंबर पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर हम लिखते हैं सेवन और लिखते हैं ज़ीरो सेवन तो एक ही बात है, लेकिन अगर हम लिखेंगे सेवन ज़ीरो तो दो चीज़ अलग हो जाएगी। ठीक है, तब चीज़ अलग हो जाएगी। तो इसीलिए किसी नंबर, ये नंबर है हंड्रेड, हंड्रेड के अगर हम पहले ज़ीरो लगाएंगे तो भी वो हंड्रेड ही रहेगा, लेकिन यहाँ हमें ज़ीरो इसलिए लगाना होगा क्योंकि हमको इस तरह की ग्रुपिंग करनी है। तो ये ग्रुपिंग इनकी हो गई, अब हमें कुछ नहीं करना, हमको बस ये टेबल देखते हो डायरेक्टली नंबर लिख देना है। मैंने कहा ना ये बहुत ईजी होता है, बस ये टेबल याद रखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, वो भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है। भाई ज़ीरो से नाइन तक नंबर है, ए बी सी डी ई एफ, ये अल्फ़ाबेट है सिक्सटीन, उसके बाद हमको बाइनरी बनाना है। तो ज़ीरो ज़ीरो से स्टार्ट करो और जहाँ तक सोलह नंबर बन रहे हैं, ज़ीरो और वन से बनने वाले सारे नंबर लिख डालो, लेकिन सब फोर फोर के फॉर्म। भाई ज़ीरो तो ये था, ये तीन ज़ीरो हमने अपने मन से लिख, दूसरा नंबर था वन, ये तीन ज़ीरो अपने मन, क्योंकि ये इस तरह से ही डिस्प्ले होता है। अब देखो बारी बारी से नंबर लिख जाते, अब डबल ज़ीरो वन डबल डबल वन ज़ीरो वन, डबल वन ज़ीरो वन कहाँ पे है देखते हैं, डबल वन ज़ीरो वन छूट गया क्या, ये है डबल वन ज़ीरो वन, डबल वन ज़ीरो वन का मतलब है डी, तो ये हो गया हमारा डी। फिर वही है डबल वन ज़ीरो वन, तो ये भी हो गया डी। फिर उसके बाद आता है ज़ीरो वन डबल ज़ीरो, ठीक है, अब देखो कौन सा नंबर है, ज़ीरो वन डबल ज़ीरो, ये है मतलब फोर, ये जो मैंने ये एग्जांपल बताया था ये वही है। तो हमारा जो बाइनरी नंबर आ गया वो हो गया हमारा फोर डी डी बेस सिक्सटीन। ये जो हमारा जो हमारा डेसिमल नंबर आ गया, बोलने में गलत हो गया, जो हमें बाइनरी नंबर दिया हुआ था उसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकला फोर डी डी सिक्सटीन। ठीक है, बहुत इजी सा है, कुछ नहीं है, बस ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो टेबल है वो बनाने की थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो ये आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसमें करते हैं, देखिए एक और क्वेश्चन इसमें करके दिखाते हैं। जैसे कोई एक नंबर है, यहाँ लिख देते हैं डबल वन ज़ीरो वन ज़ीरो ट्रिपल वन ज़ीरो वन ज़ीरो वन डबल वन, थोड़ा बड़ा नंबर है, इसको हमको कर देंगे बेस टू, इसका हमें निकालना है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कुछ नहीं करते, वही नंबर पहले पूरा नंबर लिख लो, वन वन ज़ीरो वन ज़ीरो ट्रिपल वन ज़ीरो वन ज़ीरो, फिर थ्री टाइम वन। ठीक, अब हमको चार चार के ग्रुप बनाने, फिर से एक बार नंबर चेक कर लेते हैं, ठीक है जी, चलो कोई दिक्कत भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं। चार का ग्रुप बनाते हैं इस तरफ से, एक चार का ग्रुप बन गया ये, दूसरा चार का ग्रुप बन गया ये, तीसरा चार का ग्रुप बन गया ये, जो चौथा ग्रुप है उसमें दो ही नंबर बच रहे हैं, तो यहाँ हम कुछ नहीं करेंगे, दो ज़ीरो अपनी तरफ से बढ़ा देंगे। ठीक है, दो ज़ीरो बढ़ा दिए। अब देखो ये जो टेबल के हिसाब, टेबल में जो नंबर आता है हमारा वो है ज़ीरो वन वन वन, जो टेबल के हिसाब से ज़ीरो वन 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 जो होता है वो होता है हमारा नंबर सेवन।